राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय कलाकारों के लिए हमेशा से खास रहा है। यह पुरस्कार देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक माना जाता है। बीते दिनों दिल्ली में 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई, जिसमें देश भर के कलाकारों को सम्मानित किया गया। हर बार की तरह इस बार भी सभी की निगाह बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड पर टिकी हुई थी। इस साल बेस्ट एक्टर की रेस में कई बड़े बड़े सितारों के नाम शामिल थे, जिनमें विक्की कौशल और अल्लू अर्जुन प्रमुख। दोनों के बीच हुई जंग में बाजी अल्लू अर्जुन ने मार ली। अब विक्की कौशल ने अल्लू अर्जुन से यह पुरस्कार हारने पर अभिनेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देश के सबसे प्रतिष्ठित और बहुप्रतीक्षित पुरस्कार में से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 69वें संकरण में बहुत सी फिल्मों का जलवा देखने को मिल रहा है। इन फिल्मों में सरदार उद्धम, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी और द कश्मीर फाइल का नाम शामिल है। सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और विक्की कौशल अभिनीत सरदार उद्धम ने भी 5 पुरस्कार अपने नाम किए हैं, लेकिन अभिनेता अल्लू अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हार गई। अब विक्की ने खुलासा किया है कि अल्लू अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हारने के बाद वह निराश नहीं थे। विक्की कौशल ने कहा, बात यह है कि कई बार आपको कोई फिल्म मिलती है तो और आपको ऐसे निर्देशक के साथ काम करने का मौका मिलता है जो आपको पसंद है, तो आप सोचते हैं कि आपका सपना सच हो गया, जो सरदार उद्धम के वास्तव में सच है। मैं सिर्फ ऐसा नहीं हूँ, एक पंजाबी होने के नाते वह विषय, वह आदमी, वह कहानी मेरे लिए बहुत करीब है। विक्की कौशल के वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिनेता को आखिरी बार फिल्म जरा हटके जरा बचके में काम करते देखा गया था। इस फिल्म में उसके साथ सारा अली खान मुख्य भूमिका में थे। फिल्म को भी खूब प्यार दिया गया था। विक्की जल्दी मानुषी छिल्लर, मनोज पालवा और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार के साथ फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली में नजर आएंगे। इसके बाद उनकी पाइपलाइन में भी सैम बहादुर और मेरे महबूब मेरे सनम में है।